की आपने चार्जशीट हम दाखिल करेंगे, तो कब तक इसमें चार्जशीट दाखिल हो जाएगी? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है, जो प्राइमरी चीजें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी अभी बची हुई हैं, तो हम पीसी लेंगे, उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया, हमारी 18 टीम लगी हुई है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की, डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपी उसको गाइड कर रहे हैं, और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग एंड कैपेबल ऑफिसर्स की 18 टीम है जो दिन रात काम कर रही है, आप सभी को मालूम है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगाएंगे। नाम आपने लिया, उनकी क्या भूमिका, इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने इसे छुपाया। देखिए, इसमें जो दो नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है, गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो मिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज को हेल्प करने की कोशिश की है। मैं सभी का जवाब दूंगा, आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। इसका एक मिनट, इसे कंप्लीट, जब ये एक्सीडेंट हुआ और जहां गाड़ी लास्ट तक गई, उस दौरान ये दोनों कहीं थे या बाद में ऐड हुए, दो कैसे ऐड हुए, ये दो लड़के जो नए आए हैं इनका रोल क्या होता है, या सिर्फ नाम छुपाया ड्राइविंग के चक्कर में, या जो भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का उनमें कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट के बीच में उतर गए, कार में बैठे थे कि नहीं, एंट्री कहां? मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है, इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है, जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है, तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था अमित के पास, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था, अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा तो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। सर, निधि को लेकर के 2-3 सवाल उठे हैं। पहला सवाल, एक परिवार कह रहा है कि निधि का रोल सस्पिशियस है, 300 लोगों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा सवाल, जब निधि की मां कह रही है कि निधि ने खुद ये बताया कि जो गाड़ी को आगे पीछे करके पीड़िता के ऊपर चढ़ाया गया, मृतका के ऊपर चढ़ाया गया, क्या 302 का मुकदमा बनता है? तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, निधि का स्टेटमेंट कितना रिलायबल मान रही है पुलिस, क्योंकि 164 का बयान दर्ज करवाया है, क्या निधि जो इस मामले में सिर्फ एक गवाह है या उसका भी रोल अभी कहीं पर सवाल की गिरे? अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है इसमें आपको सभी को मालूम है कि आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, हमारे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे कि ये क्या कोई इसके साथ और था या कहां से ये आई थी, लास्ट सीन कौन था, ये सारे तमाम क्वेश्चंस आप भी आपके दिमाग में भी थे, हमारे दिमाग में भी थे, तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की, हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया, वहां से कुछ हमें क्लू मिले कि यहां से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है, तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुंचे हैं, जो कि सीसीटीवी
फुटेज है, इसके साथ साथ जहां पर इन ये दोनों लड़कियां थी वहां पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसके नाम बुक है, किसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना उसको हमारी बहुत जरूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जहां तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा है, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है क्योंकि ये एक ओपन एंडेड प्रक्रिया है जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते, और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविजन हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बुलाया, बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है नहीं है, और उसमें क्या एक क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई, वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे।